हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो मैं कोई व्लॉग नहीं लेके आई, कोई टॉपिक नहीं लेके आई हूँ, ये एक मैसेज है, बहुत ही ज़्यादा ब्लेसफुल मैसेज है। और हमारी एक फ्रेंड है कोमल अग्रवाल, उनके लिए ये मैसेज है। उनके आज सुबह ही मॉर्निंग में ही जो है सैटरडे की मॉर्निंग में 6:30 बजे उनके बेबी हो चुका है और हेल्दी बेबी है, बहुत ही अच्छा। हम उसको जो है इस मैसेज के थ्रू उनको जो है हम ब्लेसिंग्स देना चाहेंगे, बेबी और माँ को और पूरी फैमिली को जो है बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। ये छोटा सा एक मैसेज है, मैं अपनी जो हम फीलिंग है, हम अपनी जो हम उनको देखते हैं तो जो है हम लोगों को किस तरीके से हम उसको जो है मैसेज के थ्रू बता रहे हैं। अगर उनके पास ये मैसेज पहुंच जाए तो बहुत अच्छा है और हमें बहुत अच्छा लगा। इतने टाइम के बाद उनके घर पे एक छोटा सा नन्ना मुन्ना बेबी आया है और आप लोगों की ढेर सारी दुआएं चाहिए। इतने टाइम बाद 9-10 साल बाद बहुत बड़ी बात है, 9-10 साल बाद उनके घर पर इतनी प्यारी खुशियाँ आई है। तो जी भर भर के आप लोग इसको उनको जो है ब्लेसिंग्स दीजिए, दुआ दीजिए। और माँ और बेटा हो या बेटी हो, कुछ भी हो जो है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि लड़की हुई है लड़का हो है, मगर बेबी हेल्दी होना चाहिए, माँ ठीक होनी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। बच्चे हेल्दी रहने चाहिए उनके, और उनके लिए जो है उनको हम बहुत सारी जो है ढेर सारी खुशियाँ देना चाहेंगे। हमने उनको जो है कमेंट के थ्रू भी उनको दे दिया है, हमें कम्युनिटी पे भी उनको पोस्ट कर दिया, हमने उनके थैंक्स डाल दिया, इंस्टाग्राम पे भी हमने उनको फॉलो कर रखा है। तो हमारी ही फ्रेंड्स से हमारे साथ भी आती, हमारी वीडियोज़ भी देखती, कमेंट करती, तो एक दिल से नाता बन चुका था उनका साथ हमारा। तो हम लोग जो है चाहती थी मैं कि मतलब हम भी खुद वेट कर रहे थे कि उनके बेबी हो जाए। हम डेली उनसे पूछते थे और आपकी ठीक हो, तबीयत ठीक है, तो मेरी उनसे बात होती रहती थी। तो ये मैसेज जो है कोमल अग्रवाल जी के लिए कर रही हूँ और उनके बेबी के लिए। हमारी जो है बहुत सारी ढेर सारी बधाइयाँ हमारी तरफ से और बहुत सारी ब्लेसिंग। आप जल्दी से ठीक होकर घर आ जाए और छोटा सा बेबी जो है हम लोगों को जल्दी से दिखाए और अपना जो है अच्छे से ध्यान रखिएगा। और हम यही बोलना चाहेंगे, जैसे हमारे घर पे किलकारियाँ गुंजी है वैसे आपके घर पे भी किलकारियाँ गुंजी है, तो उसी से जो है हम यही बोलना चाहेंगे कि हम एक मैसेज दे रहे हैं कि हर एक लेडीज़ की जो है गोद भरे, हर एक जो भी जिसका भी सपना होता है, एक माँ हो, माँ बनना जो होता है एक सबसे बड़ा सपना होता है लेडीज़ का, वो हर किसी की दुआएँ कबूल करे, हर किसी के साथ हर घर पर बेबीज़ हो। तो जिससे क्या होता है कि एक माँ का जो सुख होता है ना, एक वो माँ ही समझ सकती है कि बच्चों से कैसे हम लोगों की मतलब हमारी कैसे। इसको जो है इस मैसेज को मैं ज़्यादा बड़ा नहीं करूँगी, बस मैं ही उनको जो है कॉन्ग्रेचुलेशन और गॉड ब्लेस यू एंड बेबी के लिए हेल्दी, बेबी हेल्दी रहे और टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा। चलिए, आप लोगों को अगर ये मैसेज अच्छा लगे, अगर ये जो है मैंने जो पोस्ट किया है तो ढेर सारे उनको जो है दुआएं दीजिए बहुत ज़्यादा। तो उनका जो है मैं नाम जो है टैग में डाल दूंगी, आप जाके वहाँ पर जाके उनको देख सकते हैं। और बहुत ही अच्छी है, बहुत प्यारी सी है, बहुत प्यार से बात करती है। मैंने अब तक वैसे किसी की कभी पोस्ट नहीं करी है, आपने देखा होगा, कभी भी आप मेरे ब्लॉग में जाके देख सकते हैं, मैंने कभी किसी के लिए जो है पोस्ट नहीं करा है, मगर पता नहीं क्यों उनसे दिल से एक नाता जुड़ चुका था। उनकी वीडियोस मैं देखती थी, मगर वो बोलने का तरीका और उनके साथ जो हस्बैंड है वो बहुत ज़्यादा कॉमेडियंस है, बहुत प्यारे हैं, बहुत अच्छे से, बहुत डीपली सोचते हैं, बहुत अच्छा लगता है। ज़रूर आप देखिएगा उनके भी, हो सकता है मेरे से ज़्यादा जो है सब्सक्राइबर उनके हैं, मैं मानती हूँ उनको देखने वाले बहुत होंगे, मगर हमारा एक छोटा सा ये मैसेज शायद उनको जो नहीं जानते होंगे वो भी उनको देख सके। तो प्लीज़ उनके जो है दुआएं कीजिए और उनका बेबी हेल्दी रहे। बाय, टेक केयर। मैं फिर से एक नया ब्लॉग लेके आऊँगी।